नमस्कार, सत्यमेव के चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसमें राजस्थान की जमीनी हकीकत क्या है। आखिर राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। इस बार हम बात करेंगे सिरोही जिले में, और सिरोही जिले में इंडियन इंदिरा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भगवान दास खत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान दास खत्री जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडियन इंदिरा कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ और पार्टी ने आपको उम्मीदवार कब घोषित किया? ये पार्टी का गठन 9 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, और 9 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, और अभी मुझे महीने भर पहले ही जी 2 महीने पहले ही मैं जुड़ा था जी, और अभी 15 दिन पहले ही मेरी टिकट की घोषणा करी है। टिकट की आपकी घोषणा हो चुकी है, और अब आप एमएलए पद के दावेदार हैं सिरोही जिले में, क्योंकि विधानसभा सीट आपकी सिरोही पड़ती है जी। तो जनता के बीच में क्या उम्मीदें लेकर उतरेंगे ताकि जनता को लग सके कि आपको चुनाव में भागीदारी का हिस्सा बने आप एमएलए में, तो जनता आपको चुनाव क्यों वोट क्यों दे? जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है जी। 60 साल से कांग्रेस ने राज किया है जी, उनको भी देख चुके हैं 60 साल, और बीजेपी के भी 10 साल देख चुके हैं, और बीजेपी के और कांग्रेस से पब्लिक बिल्कुल तरस है और तीसरे विकल्प की तलाश में थी, और हमारी पार्टी को ही करेंगे सपोर्ट। आपकी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे ये आपने अभी कहा है। अगर जनता आपको आप पर भरोसा जताती है तो क्या ऐसे विकास के मुद्दे रहेंगे आपकी और आपकी पार्टी पर जो जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि सिरोही जिले के युवाओं की जो बेरोजगार हैं जी, रोजगार के लिए नए नए आयाम ऐसे स्थापित करेंगे कि जो कि सिरोही का युवा सिरोही में ही रोजगार पा सके और सिरोही से बाहर पलायन ना कर सके, ये प्राथमिकता रहेगी पहली। सबसे पहले बात करना चाहेंगे बालिका शिक्षा की, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके जो है वो बालिका शिक्षा में आज भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए, झुंझुनू आए, वहां से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आज भी जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो बालिका शिक्षा आज भी कमजोर है। तो आप ऐसे क्या आयाम स्थापित करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि बालिकाओं को शहरी की ओर पलायन नहीं करना पड़े? हमारी सरकार आती है और मैं एमएलए में जीतता हूँ जी, तो मैं ग्रामीण एरिया में ही उनके शिक्षण संस्थान खुलवा दिए जाएंगे कि वो बालिका वहाँ के वहीं पढ़े और वहाँ से ही पढ़ाई करे और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो हमारे सिरोही जिले के गांव का नाम भी रोशन हो जी। तो अगर कहना चाहे तो आप एक नया इतिहास रच देंगे सिरोही जिले में, क्योंकि अगर रोजगार की आपने बात करी और शिक्षा की आपने बात करी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर ऐसा कोई विकास देखने को नहीं मिलता। जैसा कि आपने कहा कि पिछले 60 साल से कांग्रेस का राज है देश में, भाजपा कई बार सरकारें बना चुकी है, तो दोनों ही पार्टियां सिरोही जिले में असफल अभी तक साबित हुई है। आगे मैं अगर बात करूं, आपने अभी रोजगार की बात करी, युवाओं के लिए ऐसे क्या अवसर प्रदान करेंगे ताकि युवा सिरोही जिले को छोड़कर कहीं नहीं जाए? मैंने आपसे कहा ना कि हमारी पार्टी आती है और अगर मैं इससे विजयी घोषित होता हूँ विधायक, तो मैं मेरी सिरोही विधानसभा के अंदर ही ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करूंगा कि युवाओं को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा सिरोही से, और सिरोही वालों को ही युवाओं को पहली प्राथमिकता मिलेगी। भाजपा और कांग्रेस के आगे किस तरह अपना प्रचार करेंगे, किस तरह क्योंकि दोनों ही पार्टियां राजस्थान में दिग्गज मानी जाती है, उन दोनों ही पार्टियों के आगे कैसे अपना लोहा जनता से मनवाएंगे? हम जनता से कहेंगे कि आपने 60 साल इनको देखा है, 10 साल इनको भी देखा है, विनम्र होकर कहेंगे, अपील करेंगे कि इनको 60 साल दिए आपने, इनको 10 साल दिए बीजेपी को, एक मौका हमें दीजिए, अगर हम आपकी सेवा नहीं कर सकें तो आप दोबारा हमें कभी मत मौका देना। क्योंकि आपने मौके की बात करी, क्योंकि मौका सिर्फ जनता एक बार ही देती है 5 साल में, और वही मौके भुनाने में जो उम्मीदवार है वो वहाँ चुनावी मैदान में उतरता है, चुनावी मैदान में उतरकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें शहरी अस्पताल जाने में काफ़ी असमर्थ वो दिखती है, डिलीवरी के समय उन्हें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि 104 की जो सुविधा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पिछड़ी हुई है। तो महिलाओं के लिए सबसे पहली योजना क्या बनाएंगे आप? हम महिलाओं के लिए सबसे पहली योजना यही बनाएंगे कि हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वहाँ पे डॉक्टर की
स्टाफ की सुविधा की जाए, अस्पताल खोला जाए, छोटा क्लिनिक खोला जाए, जो वहाँ की वहीं गांव में महिलाएं उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल सके, और उसके बाद में अगर नहीं बनता है तो जिले लेवल के अस्पताल पे हम बहुत बढ़िया सेवा करेंगे और अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे जिससे कि जिले के बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये तो हमने आपकी भविष्य में विकास की बातें करी है, अब हम आपके इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, जमीन स्तर पर आप जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों आप कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इंडियन इंदिरा कांग्रेस की तरफ से जनता में उतरे? सर, 84 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और श्रीमान बूटा सिंह जी जालौर सिरोही लोकसभा सांसद से चुने गए थे और राजीव गांधी की सरकार थी कांग्रेस की और बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर बने थे। 84 से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत मैंने दरी उठाई, पोस्टर लगाए, मुझे एक बार 2010 से 2015 में पार्षद का टिकट दिया गया, मैंने वो चुनाव जीता है और जीत के दिया था पार्टी को, और उसके बाद भी मैं मुझे आज तक कहीं तवज्जो दी नहीं गई है, और मतलब 36 साल हो चुके हैं, 36 साल में कांग्रेस में रहने के बाद भी मुझे कहा है कि अभी और इंतज़ार करो, कम से कम बोले 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 53 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, 63 साल को हो जाऊंगा रिटायरमेंट, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल बाद मैं जीऊं या मरूं। जी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि पार्टी को त्याग दे के और नई पार्टी जो लॉन्च हुई है इंडियन इंदिरा कांग्रेस, उसका दामन थाम लिया है और उन्होंने मुझे मान सम्मान के साथ लिया है और उन्होंने मुझे विधानसभा की टिकट दी है जनरल सीट से, सिरोही विधानसभा क्षेत्र से। आपको मौका दिया है पार्टी ने, क्योंकि अभी वर्तमान में प्रचलन ये चल रहा है पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में कि युवाओं पर जनता ज्यादा विश्वास करती है, और जैसा कि आपने कहा कि 10 साल आपको वेट करना पड़ रहा था कांग्रेस पार्टी में, आप अभी युवा की दृष्टि से इस चुनाव को, पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मैं युवाओं की जो सोच है, युवा की जो सोच बदली है और वो बदलाव चाहती है, उन्होंने बीजेपी पार्टी को देख ली, कांग्रेस पार्टी को देख ली, उनको सबने धोखा ही दिया आज तक, उनके लिए ना तो कोई रोजगार के अवसर पैदा किए और ना ही कुछ उनको नौकरियां मिली हैं सरकारी, और आज भी है तो कई तो युवाओं को कहते हैं कि आप इंजीनियर कर ली, MBA कर लिया, आप पकौड़े बेचो रोड पे, उसमें ज़्यादा कमाओगे, और कई कहते हैं कि अभी सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन ये लगाना ही नहीं चाहते एक्चुअल में, ये खुद ही भर्ती खोलते हैं, खुद ही पेपर आउट करवाते हैं जिससे कि भर्ती हो ही नहीं सके। युवाओं की आपने बात करी कि युवाओं का चहेता नेता युवा ही होना चाहिए, और युवाओं की तरफ से अगर मैं बात करूं तो युवा नेता ये चाहता है कि किसी थर्ड पार्टी आए जिले या राज्य में, क्योंकि दोनों ही पार्टी को देख लिया, थर्ड पार्टी बनकर आप जनता के बीच में उतरे हैं, तो युवा आप पर और आपकी पार्टी पर भरोसा क्यों करे, ताकि उसको एक भरोसा हो सके कि यही वो MLA है जो मेरे और मेरे जिले का विकास कर सकता है। सभी बुजुर्ग माता बहने और युवाएं सभी का ये मानस बन चुका है कि अब दोनों पार्टियों को देख चुके हैं और अब इनके इनसे भरोसा उठ चुका है, इन्होंने इनको ठगाई ठगा है, कांग्रेस ने 60 साल ठगा है, बीजेपी ने 10 साल ठगा है, और ये लड़ते चुनाव जब तक तो बड़े बड़े मुद्दे बनाते हैं, कहते हैं कि 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक किसी के 15 रुपए खाते में नहीं आए, तो वोट क्यों करे बीजेपी को? और बीजेपी की आपने बात करी, बीजेपी की प्रदेश में सरकार रह चुकी है, मौजूदा सरकार है, लेकिन 5 साल में आपको कुछ लगता है कि प्रदेश में या आपके जिले में कुछ विकास हुआ भाजपा की तरफ से? कुछ विकास नहीं हुआ, ना के बराबर है, नील। जो विधायक थे, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने आकर के कुछ जमीन स्तर पर वहां काम किया? मसूरी विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान कोटाराम देवासी जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं और वो वहाँ के ही हैं, स्थानीय हैं, और उन्होंने मंत्री रहते हुए जिले का कोई विकास नहीं कराया, विकास ठप पड़ा है और पब्लिक त्रस्त हो चुकी है और बदलाव की भावना आ चुकी है, और युवाओं को अब युवा चाह रहा है कि एक बार मौका बदल के देखेंगे, क्योंकि सिरोही राजस्थान का ऐसा प्रदेश माना जाता है जहाँ कुछ किलोमीटर आगे चल के हिल स्टेशन शुरू हो जाता है, तो पूरे देशवासियों की कहीं ना कहीं नजर रहती है कि आखिर माउंट आबू में क्या विकास हुआ, सिरोही जिले में हम जा रहे हैं तो 5 साल पहले गए थे, 5 साल बाद गए, वही की वही स्थिति, वैसा की वैसा पूरा इलाका, विकास के नाम पर कुछ नहीं।
माउंट आबू की बात की जाए सर, तो जो भी नेता आज तक 60-70 साल से आए हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। जब से जैसा था 60 साल पहले, ऐसा कैसा माउंट आबू है? माउंट आबू में ना तो कोई निर्माण कर सकता है और ना ही कोई नया काम कर सकता है, उसको रिपेयरिंग की भी अनुमति नहीं दी जाती है। रिपेयरिंग की आपको डार्क जोन घोषित कर दिया इनका कहना है, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है वहां पर, डार्क जोन घोषित कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि सड़कें और पानी की व्यवस्थाएं अक्सर ग्रामीणों को परेशान कर देती है, इस समस्या से कैसे उभारेंगे जनता को? जनता को हर गांव के अंदर, हर ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से जोड़ा जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी, शुद्ध जल पीने का दिया जाएगा सबको, और अच्छी से अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी और मॉनिटरिंग की जाएगी कि उसमें कोई घपला नहीं करे, और अच्छा निर्माण होए, निर्माण सामग्री अच्छी लगे तो जिससे कि सड़क लंबी चले। तो खत्री साहब, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा कि सिरोही जिले की जनता आपको, आपकी पार्टी पर भरोसा जताती है और आपको MLA बना देती है, लेकिन प्रदेश में अगर दूसरे दल की सरकार बनती है तो उस सरकार से कैसे लड़ेंगे कि आपके जिले में विकास हो सके? अगर सरकार किसी की भी बनती है, और अगर मैं विधायक बनता हूँ सिरोही विधानसभा क्षेत्र से, तो सरकार चाहे किसी की बने, ये जवाबदारी मेरी रहेगी कि सिरोही विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है और मुझे उन्होंने जीता के आगे भेजा है, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और विकास की गंगा बहा दूंगा और किसी क्षेत्र में किसी बात की किसी को कोई कमी नहीं आने दूंगा। किसी पार्टी के साथ में गठबंधन की राह पकड़ सकती है आपकी, आप या आपके प्रदेश अध्यक्ष? अगर हमारी पार्टी किसी गठबंधन की राह पकड़ेगी, हमको लगेगा कि हमारा इसमें, हमारी यहाँ पे सुनवाई होगी, हमारे गांव का विकास होगा, क्षेत्र होगा, अगर हमारे MLA सही ज़्यादा नहीं जीत के आते और सरकार हमारी नहीं बनती है, तब हम गठबंधन करेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि हमारे जिले का, हमारी विधानसभा का विकास नहीं रुकेगा, इस मुद्दे पर गठबंधन होगा वरना नहीं होगा। इसके मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केवल एक ही शर्त रहेगी सामने पार्टी पर, केवल विकास, विकास और विकास। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप, हमारे साथ सिरोही जिले के उम्मीदवार, इंडियन इंदिरा कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार, जो कि अब जनता के बीच में उतरने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में सिरोही की गली मोहल्ले में आप इनको देख सकते हैं और आप इन पर आने वाले चुनाव में भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी दावा किया है कि सिरोही जिले को ये चमन कर देंगे। भगवान दास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये तो थे भगवान दास खत्री जी, अगली बार ऐसी ही शख्सियत को आपसे रूबरू करवाएंगे। जब तक आप देखते रहिए सत्यमेव जयते।